नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 6 अगस्त है, बृहस्पतिवार का दिन रहेगा। राहु काल का समय आज है 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, शर्विशा नक्षत्र रहेगा, साथ ही में कजरी तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए राशियों की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा है। मेष राशि का आज निकल रहे हैं आपके लिए 4 of Cups एंड 9 of Cups। तो आज के दिन में भाग्य के भरोसे पर नहीं रहें, अपने कर्म पर ध्यान जरूर दें। आज के दिन में जितना काम करेंगे उतना ही आपको लाभ भी मिलेगा। व्यापारिक लाभ की स्थितियां नजर आ रही हैं। धर्म कर्म में आज आपके लिए आस्था बढ़ सकती है, जो कि खास तौर पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर असर जरूर डालेगी। पारिवारिक वातावरण जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत बेहतर नजर आ रहा है। आपको लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, आपके परिवार में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे एक तालमेल अच्छा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हो सकता है किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के बारे में भी सोचा जा सकता है। उपाय आज सिर्फ इतना करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। टॉरेंस पेज ऑफ कप्स एंड 2 of Cups कार्ड निकलता है। दिन आपके लिए बहुत बेहतर नजर आ रहा है। पूंजी निवेश के हिसाब से लाभ हो सकता है। पुराने मित्रों से आज मुलाकात हो सकती है, जिनसे कि कोई शुभ सूचना मिलने का भी योग बन रहा है। सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा और उनके साथ एक बातचीत बहुत अच्छे स्तर पर हो सकती है। लेकिन विवादों को टाल देना बहुत बेहतर है, क्योंकि छोटे मोटे वाद विवाद जो है एक बड़ा रूप ले सकते हैं आज के दिन में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी चिंताएं आपको लगी रह सकती हैं। छोटा सा उपाय, आज के दिन में नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिएगा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग कीजिए। जेमिनाई द फूल एंड 10 of Wands कार्ड निकलता है। पुराने मामले जो है वो सुलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आकस्मिक धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन में किसी बाहर वाले के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करके चलें। जरूरी है कि संपत्ति को लेकर के जो भी वाद विवाद चल रहा है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़े बहुत इनिशिएटिव लेने पड़ सकते हैं, आगे बढ़ना पड़ सकता है। व्यापार के विस्तार की योजनाएं जो हैं वो फिलहाल टाल दीजिए। बहुत इनपुट्स देना या बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंशन के बारे में सोचें अभी फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए मैं कहूँगी कि आप कुछ समय के लिए आप अभी टाल दीजिए उस प्लान को। व्यर्थ के वाद विवादों से आपको मुक्ति मिल सकती है, या फिर नए किसी पर्टिकुलर किसी रिश्ते की शुरुआत के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। आज के दिन का उपाय, आप लोगों को सुबह उठ करके तुलसी में दीपक जलाना है और प्रयास कीजिएगा एक तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी पर अर्पित करें। कर्क राशि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द टेम्परेंस कार्ड निकलता है। आपके लिए व्यापार में उन्नति के योग नजर आ रहे हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे कि कामकाज में आपको मदद जरूर मिलेगी। लेकिन कार्यस्थल पर कुछ बदलाव की स्थितियां नजर आ रही है, मे बी ट्रांसफर का योग है या प्रमोशन का योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। मानसिक शांति के बीच जो है काफी हद तक आपके लिए चीजों में फेरबदल भी नजर आ रहा है। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्टेबिलिटी है, एक फेरबदल जो है वो पॉजिटिविटी लेकर के जरूर आएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि एक बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो छोटी मोटी इश्यूज हैं उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। औरों की देखा देखी करने के बजाय खुद पर विश्वास करें और उससे ही आप लोग आगे जरूर बढ़िए। आज के दिन का उपाय, पीले रंग का इस्तेमाल करना आज आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 of Cups कार्ड निकलता है। जो लोग विवाह के योगी हैं उन लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। कई समय से रुका हुआ पैसा, कहीं रुका हुआ धन जो है वो वापस मिल सकता है। काम में गति आज जरूर आएगी। हर किसी को अपने मन की बात बताने से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोग आपके फीलिंग्स का कहीं फायदा नहीं उठा लें। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मन की बातें उन्हीं से ही शेयर करें जिनके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो। मकान संबंधी समस्याएं जो है उसका समाधान हो सकता है। अधिकारी वर्ग के लोगों को आज के दिन में मिश्रित फल मिलेंगे। छोटा सा उपाय, आज के दिन में सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण 108 बार करना अच्छा है। वर्गोस नाइट ऑफ कप्स एंड 3 of Swords कार्ड निकलता है। वर्गोस के लिए आज कार्यस्थल पर अधिकारियों से मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, थोड़ा संभल जाइए। सुख सुविधा के सामान के ऊपर धन खर्च हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन न्याय पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा आप लोगों के लिए। आज के दिन का उपाय, कन्या राशि वाले लोग सुबह उठ करके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे अच्छा रहेगा। तुला राशि 6 of Swords एंड 7 of Wands का निकलता है। तो आज के दिन में परिणय चर्चाओं में सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथ ही में नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थानांतरण दैट मीन्स ट्रांसफर का योग भी बन रहा है।
मित्रों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को आप दिल से नहीं लगाइए, उनकी बातों को कहीं ना कहीं पे आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यस्तता की वजह से आज काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो जरूरी है दिन की शुरुआत में ही टाइम मैनेजमेंट आज पहले से ही कर लीजिए। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बिना वजह के खर्चों को कट ऑफ कर दीजिए। आज के दिन में तुला राशि वाले लोग एक चांदी के सिक्के पर केसर लगा करके भगवान विष्णु को अर्पित करें, उसके बाद अक्षत के साथ उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकलता है। योजना की अनुरूप ही आप कार्य करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, हालांकि विरोधी जो है वो आपके लिए सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। वाहन के प्रयोग में या मशीनरी के प्रयोग में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कई काम जो है आपके उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है, माँ सरस्वती की आराधना कीजिएगा। साथ ही में माँ सरस्वती को आज के दिन में आप लोग कलम जरूर अर्पित करें। धनु राशि, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकलता है। नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत हो सकती है सैजिटेरियंस के लिए। घरेलू कामकाज की वजह से आज थोड़ा सी व्यस्तता रहेगी, लेकिन आप चीजों को बेहतर तरीके से आगे जरूर बढ़ाएंगे। भूमि भवन में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अगर कोई यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसे फिलहाल के लिए टाल जरूर दीजिएगा। कार्यस्थल पर कर्मचारी जो है उनके साथ एक तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। राधा कृष्ण की उपासना करना आज अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब मकर राशि का। आज निकल रहे हैं आपके लिए धर्मेंद्र एंड सो वांट्स। तो आज का दिन जो है व्यर्थ के कार्यों में रुचि बढ़ने की वजह से आज हो सकता है आपके जो जरूरी कामकाज हैं वो पीछे छूट जाएं। तो जरूरी है आज कि आपका जो जिद्दी रवैया है, आज किसी भी तरीके के लिए आप बहुत एक एडमेंट हो गए हैं, इस चीज को थोड़ा सा कम कर दीजिए और आज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास जरूर करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आज नौकरी की तलाश में हो सकता है आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़े, समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इसलिए इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा और पॉजिटिविटी को मन में रखिएगा। हालांकि व्यापारियों के लिए आज लाभ के सपने नजर आ रहे हैं। उपाय आपके लिए इतना है, नारायण कवच का पाठ करना है और साथ ही में आज सुबह उठकर के सूर्य को जल देंगे तांबे के लोटे से। कुंभ राशि, फोर मंथ नहीं सब सॉल्स कार्ड निकलता है। एक्वेरियंस के लिए आज खासतौर पे विवाह के लिए या विवाह योग्य जातकों के लिए आज का दिन जो है आपको नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, नई चीजों की खरीदारी जो है वो संभव दिखाई दे रही है। अतिथियों का आगमन हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। आज दिनचर्या में बदलाव जो है वो महसूस करेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया था उसको आज कहीं ना कहीं पे उसके यूसेज के बारे में सोचा जा सकता है। एक्वेरियंस के लिए आज के दिन का उपाय सिर्फ इतना रहेगा, आपको नाजा जो है सात तरह के अनाज को मिला करके उसे डोनेट करना है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, कई दिनों से रुके हुए काम में आज गति आ सकती है, काम पूरा जरूर होगा। अपने विचारों को शुद्ध कर लीजिए, जरूरी है कि आज चीजों को जितना सिस्टमैटिक तरीके से चलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो वैचारिक मतभेद आज हो सकते हैं। व्यापारिक यात्रा के समय पर थोड़ा सा आप जो सामाजिक कार्य हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं, जिससे कि मान सम्मान बढ़ेगा। मीन राशि वाले लोग आज के दिन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।